नमस्कार। अगर आपको शुगर या डायबिटीज है, दैट मींस उसका मतलब यह है कि आपके अंदर शक्कर या शुगर का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा। जो भी आप खाते हैं अल्टीमेटली उससे शुगर या ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज आपके खून में रहता है और इस खून से आपकी मांसपेशियों के अंदर जाने के बाद ही ये शुगर से एनर्जी बन सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो ये शुगर को ब्लड से मांसपेशियों के अंदर ले जाने वाला जो इंसुलिन होता है, या तो इंसुलिन कम बन रहा है या इंसुलिन का असर इस प्रोसेस में कम हो रहा है। इस वजह से शुगर खून से मांसपेशियों के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड खून के अंदर ही घूमता रहता है और शुगर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसी को डायबिटीज कहते हैं, जहां पे इंसुलिन जो कि पैनक्रियाज बनाते हैं शुगर को खून से मांसपेशियों के अंदर ले जाने के लिए, वो या तो कम बनता है या फिर नॉर्मल मात्रा में बनने के बावजूद उस पर रेजिस्टेंस आ जाता है। इसका मतलब यह है कि वह शुगर को मांसपेशियों के अंदर नहीं या कम मात्रा में ले जा पाता है। इसी को डायबिटीज कहते हैं। अब अगर शुगर ग्लूकोज खून के अंदर ही घूमता रहेगा तो सोच के देखिए, चाशनी सभी के घर में बनती है। जब चाशनी कढ़ाई में होती है तो कढ़ाई सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है, एक परत बन जाती है ना, और उसके ऊपर चींटियां भी बड़ी आसानी से लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब शुगर की मात्रा खून में ज्यादा हो जाए तो पहली चीज, खून मीठा हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको चोट लगती है तो चोट का घाव भरने में वक्त लगेगा। शुगर ज्यादा होने की वजह से शरीर कोशिश करता है कि शुगर डाइल्यूट किया जाए, इसलिए आपको प्यास ज्यादा लगती है। पानी ज्यादा पीते हैं तो आपको पेशाब भी ज्यादा आता है, प्लस 180 की शुगर है के ऊपर शुगर किडनी के द्वारा यूरिन में पेशाब में से निकलना शुरू हो जाती है और पेशाब भी मीठा हो जाता है। पेशाब भी मीठा होता है, पेशाब में ज्यादा पानी जाता है, पेशाब में कीड़े भी लगते हुए दिखाई देंगे आपको। तो शुगर में प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा आता है, इन्फेक्शन जल्दी होता है, घाव जल्दी नहीं भरते हैं। इन सब के अलावा अगर लंबे समय तक शरीर के खून के अंदर शुगर घूमता रहे तो किडनी में डैमेज होता है, नसों में, खून की नसों में डैमेज होके आंखों में डैमेज हो सकता है, हार्ट की, दिल की नसों में डैमेज होता है, ये सारे डैमेज, और नर्व्स में, नसों में सुनपना आता है, डैमेज हो जाते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। इसी के साथ सोच के देखिए, अगर शुगर मांसपेशियों में जाने की जगह सिर्फ खून की नलियों में घूमता रहेगा तो मांसपेशियों को ताकत कैसे मिलेगी? मांसपेशियों को तो एनर्जी चाहिए आपके सारे काम करने के लिए, तो आपको थकावट होगी, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, तो आपका वजन कम होगा। ये सारी चीजें होती हैं शुगर की बीमारी में। अब अगर आपने शुगर की दवा शुरू कर दी, मान लीजिए आप में इंसुलिन कम बन रहा है, आपने इंसुलिन ले लिया, तो क्या होगा? शुगर जो है मांसपेशियों में चला जाएगा, लेकिन शुगर आपके खून के अंदर बहुत ज्यादा था तो मांसपेशियों में भी ज्यादा जाएगा और फैट बन जाएगा। जितना चाहिए उतना इस्तेमाल होकर ज्यादा मात्रा फैट बनेगी और आपका वजन बढ़ जाएगा। तो शुगर का इलाज में वजन, शुगर में वजन कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, जब दोनों हो सकते हैं तो समान भी रह सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं शुगर में। अब देखते हैं शुगर का इलाज कैसे हो। शुगर के इलाज के लिए सबसे जरूरी है शुगर का कारण जानना कि वो इंसुलिन की मात्रा की कमी के वजह से है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। दोनों का इलाज थोड़ा अलग है, इसमें दवाइयां भी चलती हैं, लेकिन पहले पहले शुगर का इलाज आप लाइफस्टाइल चेंजेस से कर सकते हैं। शुगर का कोई क्योर नहीं है, आप शुगर को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। शुगर की मात्रा आपके शरीर में जरूरी है आपका सारा काम करने के लिए।
120 की शुगर आपके शरीर के अंदर आइडियल होती है, इतना मात्रा आपका शरीर चाहता है कि आसपास इसके मेंटेन रहे, 80 से लेके 120 की शुगर। जब आप खाना खाते हैं आपकी शुगर शूट अप करती है, आपकी शुगर बढ़ जाती है खून के अंदर, और यह शुगर फिर मांसपेशियों में जाती हुए 2-4 घंटे में कम होती है, इसलिए आपको फिर खाना खाना पड़ता है। अगर आप खाना ना खाएं लंबे समय के लिए तो शुगर कम होते 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 80, 50, 70, 60, 50 और आपको चक्कर आ जाएगा, तब आपको मीठा खाना पड़ेगा। शुगर की दवा ज्यादा खाने में से भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, शुगर जब खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद चेक करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि शुगर जो है खाना खाने के घंटे भर बाद सबसे ज्यादा होता है, मान लीजिए 180 तक पहुंच जाए और धीरे धीरे कम होता है 140 के नीचे, 2 घंटे के बाद 140 के नीचे आना चाहिए। और खाना खाने से पहले फास्टिंग में 8-12 घंटे फास्टिंग में शुगर 70 से लेके 120 के बीच में आ सकता है, 80 से 120 एक नॉर्मल रेंज मारा जाता है। और शुगर को डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए हम शुगर का जांच करते हैं, इसमें खाली पेट की शुगर सबसे जरूरी है और 2 घंटे के बाद खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर भी कर सकते हैं। और रैंडम शुगर, कभी भी अगर शुगर आपकी 200 से ऊपर आती है उसका मतलब यह है कि आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है। वैसे तो 140 के ऊपर भी आप अनकंट्रोल मान सकते हैं 180, लेकिन 200 का मतलब डेफिनेटली अनकंट्रोल। HbA1c नामक एक टेस्ट होता है जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो शुगर का डिपॉजिट है वो चेक करता है। इस टेस्ट से आप पिछले 3 महीने के आपके शुगर का एवरेज मात्रा, खून के अंदर एवरेज शुगर की मात्रा देख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि 3 महीने में पिछले आपकी शुगर कितनी रही है, अगर आप दवा खा रहे हैं तो आपका कंट्रोल कितना रहा है। क्या शुगर का इलाज बिना दवा के मुमकिन है? उत्तर है हाँ, शुगर को बिना दवा के लाइफस्टाइल चेंजेस से मैनेज किया जा सकता है, जिसमें सबसे जरूरी है एक्सरसाइज, डाइट, एक्सरसाइज और वजन घटाना, ये तीनों चीजों से शुगर मेंटेन होती है। तीसरी बात, शुगर के पेशेंट्स को दिन में हर 2 से 4 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, और नीली और शक्कर, चीनी या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कि शक्कर का इस्तेमाल किया हो, मीठा पदार्थ, मिठाई या मीठे फल जैसे कि आम, चीकू, अंगूर, ये सब नहीं खाने। बाकी सारे फल, सारी सब्जियां, सारा कुछ खा सकते हैं मीठी चीजें छोड़ के। शुगर के पेशेंट को 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, और बिस्किट, टोस्ट, इन सब चीजों को अवॉइड करें, मैदा अवॉइड करें। मैदे से शुगर का एक लिंक पाया गया है, मैदे को, गेहूं को ब्लीच जिस चीज से किया जाता है वो ब्लीचिंग एजेंट अल्टीमेटली पैनक्रियास के इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं, ये पाया गया है। और मैदा खाने से शुगर हो जाती है आगे चल के, ऑल्दो ये रिसर्च अभी चल रहा है, लेकिन बेटर बी सेफ देन सॉरी, मैदा खाना बंद करें। शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर फ्री नेचुरा, शुगर फ्री गोल्ड, शुगर फ्री स्टीविया, ये तीनों चीजें शुगर फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में आती हैं। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, शुगर फ्री गोल्ड और शुगर फ्री स्टीविया, इनका इस्तेमाल आप नॉर्मल खाने में डाल के कर सकते हैं, और शुगर फ्री नेचुरा जिसमें कि सुक्रालोस हैं, इनका इस्तेमाल आप पकाने वाले खाने में भी कर सकते हैं, इन्हें इस शुगर फ्री को गर्म भी किया जा सकता है। बाकी 2 शुगर को, शुगर फ्री गोल्ड खासकर, उसको गर्म आंच के अंदर ना रखें। तो शुगर मेंटेन करना बहुत आसान है, किसी भी इलाज से शुगर को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, शुगर वाली बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, जो कि बहुत आसान है। लेकिन शुगर के कॉम्प्लिकेशंस किडनी पे, हार्ट पे, नसों पे और नर्व्स पे, आंखों पे, इन सारी चीजों पे होते हैं। इवन इफ अगर आपकी शुगर दवाइयों के बाद कंट्रोल है,
फिर भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये जरूर है कि कंट्रोल शुगर में कॉम्प्लिकेशन काफी लेट आते हैं या कम आते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन फिर भी हो सकते हैं। इसलिए शुगर के पेशेंट को अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए, रेगुलर टेस्ट कराते रहने चाहिए कॉम्प्लिकेशंस के लिए। शुगर बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है, इसलिए फलाने ढमकाने की बातों में ना आए और इन सब बातें जो बताई हैं उनका ध्यान दें। गुड लक। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले सारे वीडियोस इसी तरह देखते रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।